कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा नामंजूर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौमे स्याह। कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी खत्म करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी सिसकने लगी, कर्फ्यू को 84वां रोज। बाजार बंद होने से गिजाई बहरान। यौम सियाह पर कश्मीरियों ने पाबंदियां तोड़ दी, जगह जगह मुजाहरे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मार्च का ऐलान। श्रीनगर को फौजी छावनी में बदल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुल जमाती हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात। कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर इजहार तशक्कुर। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सिफारती इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी फ्रीडम पौधा भी लगाया। आज वीडियो पैगाम में मकबूजा कश्मीर पर हुकूमती कोशिशों से आगाह करेंगे। इंशाल्लाह उसकी सरबाई में पाकिस्तान मुस्लिम नून कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठा रही है। वो दिन आएगा जब नवाज शरीफ की क्यादत में कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। आज पूरी कौम यकसू है, पूरी कौम आज एक आवाज से बात कर रही है। अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते, हम नवाज शरीफ की क्यादत में कश्मीर आजाद कराएंगे, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब। कहते हैं बाहर सुलह और अंदर लड़ाई की दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। गुजरात में जमात इस्लामी का कश्मीर पार्ट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है। कश्मीर पर हुकूमत की वही पॉलिसी है जो साबिक हुक्मरानों की। मोदी फजाए हदूद से नहीं गुजर सकते, पाकिस्तान का दो टोक फैसला। भारतीय हाई कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि फैसला यौम सियाह और मकबूजा कश्मीर मजालिम पर किया गया। भारतीय वजीर आजम ने पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। अपने कश्मीरी भाइयों को पैगाम भेजा है कि हर मुश्किल घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ शाना बशाना शरीक है और इंशाल्लाह कश्मीरियों की आजादी की मंजिल तक ये सफर जारी और सारी रहेगा। तमाम आलमी तंजीमों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो कश्मीर के अंदर होने वाले मजालिम का नोटिस लें। मौलाना फजलुर रहमान का भी कश्मीरियों से इजहार एकजहती। कराची में खिताब में कहा कि पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है, भारतीय मजालिम पर खामोश नहीं रहेंगे, दुनिया मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का नोटिस ले। हुकूमत का बड़ा इम्तिहान, आजादी मार्च ने उड़ान भर ली। मौलाना फजलुर रहमान की कयादत में मार्च कराची से निकल पड़ा। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। हाफिज हमदुल्ला के बारे में हुकूमती फैसले जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का सोहराब गोट में खिताब। आजादी मार्च का पहला पड़ाव सखर में होगा, हैदराबाद में भी शुरका के इस्तकबाल की तैयारियां। मौलाना फजलुर रहमान का जगह जगह खिताब का प्लान। मार्च के शुरका 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हुकूमत को आजादी मार्च का रेड जोन में आने का खौफ। सरीना चौक बंद, सड़कों पर कंटेनर्स और खारदार तारे लगा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। कई शहरों में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ जारी। अटक में खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले 5 रास्तों पर खंदकें खोद दी गईं। आजादी मार्च से पहले JUI की बड़ी गिरफ्तारी। चंदा जमा करने और लोगों को आजादी मार्च में शिरकत की तरगीब देने पर मुफ्ती कुफायतुल्ला 30 रोज के लिए नजरबंद। सेंट्रल जेल हरिपुर मुंतकल कर दिया गया। हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मंसूख करने के खिलाफ नून लीग की सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक जमा। परवेज रशीद का कहना है कि नादरा का इकदाम पार्लियामेंट की तौहीन है। मौजूदा अरकान में भी शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की तबीयत संभल न सकी, प्लेटलेट्स 45,000 से कम होकर 25,000 रह गए। मेडिकल बोर्ड का कहना है कि दिल की बीमारी की वजह से प्लेटलेट्स गिरे। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयास ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म फिलहाल सर्विसेज अस्पताल में रहेंगे, प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए इंजेक्शन लगते रहेंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी चल रही है, वो तो हमने 5 दिन पूरी कर ली है। जब तक ये इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता या वो खुद जाने का ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, जब तक इलाज हो रहा है, मेरा ख्याल में हर मरीज की तरह उनका हक है, वो जब तक यहाँ पे रहना चाहते रहेंगे। देखिए, हमारे पास ना वो एक बतौर मरीज दाखिल है, उनका इलाज सब चल रहा है। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए, चौधरी शुजात हुसैन का वज़ीर आज़म इमरान खान को मशवरा। कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म पर मुल्क दुश्मनी नहीं, सिर्फ माली बदनवानी के इल्जाम हैं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत बदस्तूर खराब, शुगर लेवल नॉर्मल ना होने के सबब गुर्दे और मसाने मुतासर होने का खदशा, प्लेटलेट्स गिरने की शिकायत भी दरपेश। मुस्लिम लीग की रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सास का इंतकाल, जनाजे में शिरकत के लिए पैरोल पर रिहाई, महकमे दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। लाहौर से मुल्तान जाने वालों का इंतजार खत्म, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मोटरवे M4 अब्दुल हकीम सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बेरोजगारी और महंगाई पाकिस्तान का बड़ा मसला है, दोनों चैलेंजेस से निमटने के लिए वजीर आजम ने ठोस मनसूबाबंदी कर दी है। बहरा अरब में बनने वाला तूफान सुपर साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर गया, प्यार तूफान कराची से 860 किलोमीटर की दूरी पर, साहली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शाम में दाइश का सरबरा अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में मारा गया, अदलब के इलाके में कार्रवाई की गई, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी मुबहम अंदाज में तस्दीक, इराक के सरकारी टीवी ने हमले की वीडियो जारी कर दी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में मुजाहिरों में शिद्दत, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हालात कशीदा, हजारों अफराद अलहदगी पसंद रहनुमा को जेल में डालने पर सरापा एहतजाज हैं। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा नामंजूर, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम सियाह, कश्मीरियों से इजहार एकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां और मुजाहरे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे, मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू फौरी खत्म करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में जिंदगी सिसकने लगी, कर्फ्यू को 84वां रोज, बाजार बंद होने से गिजाई बहरान, यौम सियाह पर कश्मीरियों ने पाबंदियां तोड़ दी, जगह जगह मुजाहरे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मार्च का ऐलान, श्रीनगर को फौजी छावनी में बदल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कुल जमाती हुर्रियत रहनुमाओं की मुलाकात, कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर इजहार तशक्कुर, इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सिफारती इखलाकी और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरी फ्रीडम पौधा भी लगाया, आज वीडियो पैगाम में मकबूजा कश्मीर पर हुकूमती कोशिशों से आगाह करेंगे। उसकी सरबराही में पाकिस्तान मुस्लिम नून कश्मीरी भाइयों और बहनों के लिए आवाज उठा रही है, वो दिन आएगा जब नवाज शरीफ की क्यादत में कश्मीर हम इंशाअल्लाह फतह करेंगे। आज पूरी कौम यकसू है, पूरी कौम आज एक आवाज से बात कर रही है, अपने कश्मीरी भाइयों के हकूक के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इमरान खान कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते, हम नवाज शरीफ की क्यादत में कश्मीर आजाद कराएंगे, मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यकजहती कश्मीर तकरीब से खिताब, कहते हैं बाहर सुलह और अंदर लड़ाई की दोखली पॉलिसी नहीं चलेगी।
गुजरात में जमात इस्लामी का कश्मीर पाठ। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक कहते हैं भारतीय फौज कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है। कश्मीर पर हुकूमत की वही पॉलिसी है जो साबिक हुक्मरानों की।